हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर सौम्या। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी आप सबके सामने। और वो प्रोडक्ट गाइस मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आ रहा है। इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं दिल से कर रही हूँ गाइस, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे इतना पसंद आया है, वो भी स्पेशली स्किन केयर के लिए। मैंने इतने प्रोडक्ट यूज किए लेकिन कभी भी मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं लगता था कि हाँ ये कुछ असर कर रहा है, कुछ ऐसा रिजल्ट दे रहा है। बट पहली बार ये जो प्रोडक्ट है मुझे ऐसा लगा नहीं एक्चुअली में मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो यस गाइस, जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है मिनिमलिस्ट का ये बहुत ही बढ़िया वाला सीरम। तो पहली बार किसी प्रोडक्ट से मैं इतना ज्यादा खुश हुई तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू तो डेफिनेटली बनता है। वैसे काफी ज्यादा दिन से मैं इसका यूज नहीं कर रही हूँ, अभी कुछ ही दिनों से यूज कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 15 या 18 डेज हो चुके होंगे इसको यूज किए हुए। एंड इसका जो रिजल्ट है गाइस, मैंने तीसरे या चौथे दिन ही इसका रिजल्ट देख लिया था, क्योंकि मुझे अपने स्किन पे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होने लगे थे। फाइनली मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ अच्छा सा एक सीरम ऐड करना है अपने स्किन केयर में। तो मैं अभी दिल्ली से आई थी ना गाइस, तो जहां हम लोग दिल्ली में रहते हैं वहां का पानी बहुत ही ज्यादा खारा है, उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज्यादा इतनी गंदी हो गई थी। और स्पेशली मेरा जो मकसद था इस सीरम को यूज करने का वो ये कि मेरे स्किन पे अभी स्पेशली ना ओपन पोर्स ज्यादा होने लगी थी, क्योंकि जैसे ही आपकी एज थोड़ी बढ़ने लगती है, स्पेशली जब से 30 की मतलब एज में आई हूँ, तो जब आपकी एज 30 या 40 में आने लगती है तो स्किन पे आपको फाइन लाइन्स, रिंकल्स या फिर ओपन पोर्स ज्यादा होने लगते हैं। क्योंकि पहले मुझे ओपन पोर्स बिल्कुल भी नहीं थे, अभी कुछ टाइम से ज्यादा ही ओपन पोर्स हो रहे, स्पेशली यहाँ पर यहाँ ज्यादा हो रहे। तो मैंने कहा नहीं, ये टाइम आ गया कि अब मुझे कुछ अच्छा बिल्कुल रेगुलर फॉलो करना पड़े स्किन केयर में, नहीं तो मतलब इतनी जल्दी नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा मेरे फेस पे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपने स्किन को बहुत जरूरी है ध्यान देना, स्पेशली जब से सेकेंड बेबी हुआ है ना, अभी तो खैर वो भी 3 साल का हो गया है, तो उसके मतलब बाद से मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल ऐसा लग रहा है, मतलब कोई ग्लो नहीं है मेरे स्किन पे, बहुत ज्यादा ऐसा डलनेस रहती है। कुछ भी मैं फेस पैक लगाती थी, कुछ भी पहले नॉर्मली मैं टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगाती थी, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से सीरियसली अभी सीरम लगा रही। इससे पहले भी मैंने एक दो बार सीरम लिए थे बट वो मेरे पे कोई असर नहीं किया, तो मैंने बीच में बिल्कुल भी सीरम कुछ भी नहीं यूज किए। तो मुझे जो सीरम सबसे ज्यादा असरदार लगा, मुझे बहुत ही ज्यादा फर्क दिख रहा है, ना सिर्फ मुझे ग्लो प्रोवाइड कर रहा है मेरे स्किन पे, बल्कि ये मतलब जो डलनेस था मेरे फेस पे, एनी टाइम चाहे मेकअप भी कर लो ना डलनेस रहता ही था। अभी हल्का फुल्का मैंने किया है मेकअप, बट गाइज मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेकअप की बात नहीं, मेकअप भी आप जब यूज करते हो तो सीरम को यूज कर सकते हो, बट अभी मुझे ज्यादा बिना मेकअप के भी मैं कहीं बाहर चली जाऊं ना सीरम लगा लूं तो मुझे अनकंफर्टेबल नहीं फील होता है, तो ये इस सीरम की वजह से मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा लूं और बाहर निकल जाऊं तो मेरी स्किन पे ऐसा कुछ फर्क नहीं दिखता है, डल ही लगता है मेरा स्किन। तो ये जो मैं पहले बात कर लेती हूँ इसकी पैकेजिंग की, तो गाइज ये जो सीरम है मिनिमलिस्ट का ट्रांसपेरेंट स्किन केयर हाइड्रेट रिपेयर एंड सूदन स्किन नियासिनमाइड 5% प्लस HA 1% है। तो ये गाइस मुझे सीरम लेने का यही मकसद था कि मैं पहले देखूं मेरे फेस पे कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, तो पहले मैंने ये वाला ही लिया सीरम। इसके बाद होगा तो मैं इसका दूसरा वाला भी ट्राई करूंगी, बट अभी फिलहाल यही वाला ट्राई कर रही हूँ और इससे मुझे सच में बहुत ज्यादा असर अपने स्किन पे देख रहा है। पहली बार कोई ऐसा सीरम है जो एक्चुअली मुझे दिख रहा है, स्पेशली मुझे ना अभी पिंपल्स के बाद जो स्कार रह जाते ना वो अभी ज्यादा थे, तो यहाँ भी देख सकते अभी भी है, तो उसके लिए मैंने बेसिकली यही लिया है, क्योंकि मेरे स्कार ऐसे मतलब जा ही नहीं रहते। मैं कोई भी स्किन केयर कर लूँ, चाहे होम मेड स्किन केयर, होम रेमेडीज कुछ भी ट्राई कर लूँ, नहीं जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने कहा अब ये टाइम आ गया कि इस सीरम को मुझे ट्राई करना ही चाहिए। इसके काफी अच्छे रिव्यू थे, नायका पे भी मैंने देखे तो बहुत अच्छे रिव्यू थे। अगर आप चाहते हो तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हो। तो गाइज इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें हैं इस पे लिखी हुई। ओके गाइज, इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 599 की है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है। आई थिंक हर सीरम इसी रेंज में आता है, तो अच्छा ही है आपके स्किन के लिए अगर है तो। थोड़ा सा मैं यही कहूंगी अगर पैसे थोड़ा लग भी रहे तो आप अच्छा सा प्रोडक्ट ही अपने स्किन के लिए इस्तेमाल करो, भले ही आप थोड़ा कम इस्तेमाल करो कम क्वांटिटी में, बट अच्छा होना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है इसकी अगर स्किन की बात है तो। उसके बाद गाइज इसको कैसे लगाना है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है AM एंड PM दोनों आप लगा सकते हो। Use AM and PM, apply 2-3 drops after cleaning and toning, let the serum absorb fully into the skin before moving on to the next step.
ऑफ योर रूटीन। तो यहाँ पर बता रखा है कि आप इसको 2 से 3 ड्रॉप ले सकते हो और ऐसे करके, या तो आप अपने फिंगर्स पे ले लो ऐसे करके, या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लगा सकते हो। मैं आपको वीडियो होगा तो इसका डाल दूंगी, लेफ्ट या राइट में ऊपर कहीं पे लगाते हुए भी मैं शूट की हूँ, आपको दिखा दूंगी। तो इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो गाइस, कितनी मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा थिन भी नहीं है, और जब आप इसको स्किन पे लगाते हो तो बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। और एक चीज की मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे पहले मैंने जो सीरम ट्राई कर रही थी, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो खत्म भी हो गया है, मतलब खत्म क्या, वो खत्म भी नहीं हुआ था, ऐसी पड़े पड़े कहीं खो गया है। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह कि आप फेस पे लगाते हो तो ऐसा आपको ना ऐसा नहीं फील होगा चिपचिपा या ऑयल सा। कई बार हम ऑयल लगाते हैं तो हमारी स्किन को और ज्यादा वो डल कर देता है, बट इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं। आप क्लिप में देखोगे, वीडियो में डालूंगी, तो बहुत ही अच्छा इंस्टेंट आपको ग्लो देगा। सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है कि अगर मैंने ये नहाने के बाद आफ्टरनून में आज अगर मैंने लगाया सीरम, तो कल आफ्टरनून तक मेरा स्किन बिल्कुल एज इट इज ग्लो करता है। मतलब सो जाओ या कुछ भी कर लो, आपके स्किन पे ऐसे ही रहेगा। हल्का सा आप ऐसे पानी से स्प्लैश करोगे, अपने मुंह धोओगे ना, स्टिल ये ग्लो आपको दिखेगा। तो ये इसकी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसको मैं 2 बार यूज करती हूँ अपने स्किन केयर में, 2 बार लगाती हूँ, एक नहाने के बाद, बिल्कुल मॉर्निंग में नहीं लगाती हूँ, जब मेरा नहाने के बाद मैं टोनर लगाने के बाद ये लगाती हूँ, उसके बाद एक नाइट में, जो मेरा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी स्किन कुछ भी आप करते हो ना, नाइट में जरूर इंट्रोड्यूस करो उसको, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। आफ्टरनून में या मॉर्निंग में धूल, ये हम लोग सनलाइट में आते तो सबसे उतना अच्छा नहीं। यस गाइस, सनलाइट से मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसकी याद आई। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग में अगर बात करूँ तो बिल्कुल बेस्ट है, जो एक सीरम में होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि अगर कोई भी सीरम लेते हो ना गाइस, तो सबसे पहले वो डार्क बोतल में होना चाहिए एंड वो ग्लास का बोतल होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये डार्क नहीं होगा तो सन के एक्सपोजर में ना इसका कलर भी चेंज हो सकता है और शायद ये उतना अच्छा रिजल्ट ना दे। तो इसलिए कोशिश करें कि बोतल जो है इसका डार्क होना चाहिए और ये कांच का बोतल होना चाहिए, और काफी अच्छा है ये। आप इसको बाहर ट्रैवल में भी लेके जा सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। मैं ये सोचती हूँ कि क्यों नहीं मुझे पहले इसके बारे में पता था, क्योंकि मैं किसी का भी रिव्यू देखकर मुझे मतलब उतना चीजें ले भी लेती थी तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। पर गाइस, एक बार मेरे कहने पे आप अपने स्किन केयर में जरूर इसको ऐड करो, आपको भी इसका जरूर रिजल्ट दिखेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लगाते ही 1-2 दिन में ऐसा रिजल्ट दिखेगा, मुझे तो 2-3 दिन में दिखा क्योंकि मेरी स्किन रिपेयर होनी शुरू हो गई थी। बट इसको आप एटलीस्ट 3 से 4 वीक, इसके ये प्रोडक्ट भी क्लेम करता है, 3 से 4 वीक इसको जरूर कंटिन्यूसली 2 टाइम जरूर लगाओ, फिर आपको दिखेगा डेफिनेटली इसका स्किन किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। मुझे जो बेसिकली मुझे चाहिए था, ओपन पोर्स हो रही थी मुझे, जो मेरे एक्ने का था वो मास्क कहीं कहीं था, एंड प्लस मुझे एजिंग आनी शुरू हो गई, यहाँ पे फाइन लाइन ना स्पेशली यहाँ पे आंखों के पास आनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये एकदम बिल्कुल टाइम है कि मुझे ध्यान देना है स्किन पे, क्योंकि पता है 20 से पहले या 25 से पहले आपको ना सीरम की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर इनफ होता है। लेकिन आफ्टर 25 जब आपकी एजिंग होने लगती है तो ज़रूरी है कि आपको ये ऐड करना अपने स्किन केयर में। तो इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, क्योंकि स्पेशली जब आप कुछ ग्लास का ऑर्डर करते हो तो बिल्कुल सिक्योर हो के आना चाहिए। पहले इस बॉक्स में था, उसके बाद ये वाला बॉक्स इसके अंदर था, एंड इसके बाद ये वाला अंदर था, तो काफ़ी अच्छा था गाइज। मैं इसके अंदर जो इतनी डिटेलिंग लिखी है उस पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इतना कुछ मैं साइंटिफिकली तरीके से आपको बता नहीं पाऊंगी। बट मेन जो होता है हमारा रिजल्ट दे रहा है या नहीं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या रिजल्ट दे रहा है, क्यों क्यों मैंने अपने स्किन केयर में क्यों इसको ऐड किया है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। एंड गाइज, अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ अगर आप लाइक करते हो, कॉमेंट करते हो तो। या आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो। सो या बाय।